गाइस आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर आप लोगों को मैंने दिखाया था रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का आप लोगों को मैंने कंपैरिजन बताया था कि इसके अंदर क्या चीज थी जो कि इस वाली बाइक में नहीं दी गई है। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताई है तो वो वाला वीडियो जाके आप जरूर चेकआउट करो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड स्क्रीन पर मैं उस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा आप लोगों के लिए। तो इस वाली बाइक को अपन 3 या 4 दिन से राइड कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक फील हुआ इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, सारी चीज़ें स्मूथ चल रही है। और अभी अपन ने इसकी सीट भी हटवा दी थी जो कि मेरे को चाहिए थी एक बॉबर स्टाइल वाली बाइक, इसलिए मैंने इसकी सीट हैंड टू हैंड रॉयल इनफील्ड में हटवा दी थी। तो ऑल थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड जिन्होंने बाइक प्रोवाइड करवाई और उसकी सीट भी हटा दी। यहाँ पे है अपने एक फ्रेंड की बाइक है, ये 2019 मॉडल है क्लासिक 350। और इसके अंदर अभी मतलब क्या ही बताऊँ, उस बाइक को चलाने के बाद अगर ये वाली बाइक चलाओगे ना आप, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत कमियाँ फील होंगी, ऐसा लगेगा यहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है, हैंडल बार में वाइब्रेशन आ रहा है। तो अभी आप लोगों को मैं टेस्ट राइड पे लेके चलता हूँ, पहले अपन शुरुआत करते हैं पुरानी वाली रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से, फिर उसके बाद अपन राइड करेंगे नई वाली क्लासिक 350। ऑलराइट जी, सो लेट्स गो। सो ये वाली जो बाइक है, वैसे मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें तो लास्ट व्लॉग में बता दी हैं, बस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वाइब्रेशन टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि चलने में ना कितना डिफरेंस आ गया है, कितनी सारी चीज़ें रिफाइन कर दी गई हैं और ब्रेकिंग कितनी अच्छी कर दी गई है। और जी वाह, तो इसके एग्जॉस्ट पे मत जाना, इसका जो एग्जॉस्ट है वो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है रेप्लिका, और इसके जो गार्ड्स हैं वो भी बाहर से लगवाए गए हैं। अगर अभी तक मैं बात करूँ, सबसे पहले जो मैं कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट ओके, इसके तो हाथों में थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा है। और अभी जो मेरी स्पीड है वो है 50 आ रहा हूँ, पीछे साइड मिरर से उसमें अभी तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एंड मेरे को थोड़ा फुट पैक के अंदर भी वाइब्रेशन फील हो रहा है, बाकी एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ा सा जो रॉयल इनफील्ड की जो टिपिकल आवाज़ आती है ना डुक 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 वाली, वो वाली आवाज़ आ रही है। ये जो लीवर्स है ना ये काफ़ी पतले हैं, मतलब काफ़ी स्लीक है। तो ये ऐसा पंच आ रहा है इसका, तो अब पीछे का जो वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन जो हैंडल बार में आ रहा है ना उसकी वजह से पीछे विजिबल नहीं हो पा रहा है कि अगर पीछे से कोई आएगा तो शायद ही दिख पाएगा अच्छे से, मतलब ऐसा तो पता लगेगा कि कोई पीछे से आ रहा है, बट इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि पीछे क्या आ रहा है, कौन सी कंपनी की गाड़ी आ रही है। और लिटरली बता रहा हूँ बहुत तेज़ हाथों में वाइब्रेशन फील हो रहा है। 70-80 या बहुत जाओगे ना तब आपको ज़्यादा फील होगा वाइब्रेशन। वाह, ओह देखो अभी ब्रेक लगाया है मैंने, ब्रेक अभी तक नहीं, अब लगी है ब्रेक। चल तो इसका ABS काम कर रहा है बट वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है जैसा कि नई वाली क्लासिक 350 में दे रहा है। जो इसके टायर है ना वो काफ़ी स्लीक है, और जो नई वाली क्लासिक 350 है उसके जो टायर है थोड़े से ब्रॉड कर दिया गया, थोड़ा सा उसका प्रोफाइल भी इंक्रीज कर दिया गया, इसीलिए शायद थोड़ी सी ना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है भाई। ये मीटियोर की जैसे आप लोगों को यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। तो चलो, तो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ भाई कितनी स्मूथ है ये वाली बाइक सच्ची में। एक बार जिन लोगों के पास क्लासिक 350 है ना ओल्ड मॉडल, एक बार आप जाके ये वाली बाइक के जाके आप टेस्ट राइड लो, आप लोगों को पता लगेगा कि नई वाली क्लासिक 350 कितनी स्मूथ है, मतलब कितनी रिफाइन कर दी गई है ना। अंदर किक भी रिमूव कर दिया गया, जो स्प्रिंग वाली सीट है वो भी हटा दी गई है, और जो इसका हैंडल लॉक था ना वो नीचे ना दे के ऊपर ही दे दिया गया है। तो ये देखो देखो 80-90 तो इजीली जा रही है, और वही सेम अगर मैं पुराने वाली बाइक चला रहा था ना उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा था ड्यू टू वाइब्रेशन, और अभी एक एयर बाकी है भाई। सो अभी सिर्फ मैंने पीछे की ब्रेक लगाई है, ये देखे मतलब इतनी अच्छी ब्रेकिंग कर दी है ना रॉयल इनफील्ड ने इस बार, सच्ची बता रहा हूँ मज़ा आ गया।
जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वाली बाइक के अंदर दिखाया ना कि जो इसका उसका जो क्लच लीवर था ना वो थोड़ा सा स्लीक था, लेकिन इससे ना ग्रिप अच्छी आ रही है, इससे कंट्रोल काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसकी हैंडल ग्रिप्स को चेंज किया गया है, हैंडल बार आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा जो पुराने क्लासिक 350 में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ पुरानी वाली रॉयल इनफील्ड है और ऐसी अपनी नई वाली। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना वो अभी तक तो इनफ है। जैसे जैसे इस वाली बाइक को आप चलाओगे, जैसे जैसे उसके अंदर कार्बन जमता जाएगा ना, वैसे वैसे और उसके अंदर बेस आप लोगों को फील होने लगेगा। तो जब हम लोग यहाँ पे शूट पे आ रहे थे तो पूरा रोड ना वेट हो रखा था, हम लोग बारिश के अंदर आ रहे थे, अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को वो शॉट दिखाता हूँ जो वेट कंडीशंस वाली जो रोड होती है ना उसके अंदर ये कैसे स्टेबल है, क्या है सारी चीज़ें आप लोगों को वो फुटेज देख के पता लग जाएगा शायद। वैसे भी काफ़ी स्टेबल है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कहीं पे स्लिप होने वाली है या फिर वॉबल मार रही है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। अभी मैं जो राइड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और काफ़ी मज़ेदार वेदर हो रखा है और काफ़ी स्मूथ चल रही है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। तो अभी आप लोगों ने वेट रोड पे देख लिया कि ये कितना स्टेबल थी, अच्छी खासी स्पीड थी 70-80 की, फिर भी एकदम चिपक के चल रही। ये देखो आप कितना इजी टू कम्यूट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से इसको आप ट्रैफिक में निकाल सकते हो। और पता नहीं अभी रॉयल इनफील्ड इसके एग्जॉस्ट ऑफर करता है नहीं करता है, थोड़ा सा पैसा लेके जैसे हिमालयन में करते थे बस। अगर रॉयल इनफील्ड से कोई देख रहा है ना तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, अगर आप लोग रॉयल इनफील्ड 650 हिमालयन को अगर लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ क्विक शिफ्टर उसके अंदर अपग्रेड कर देना, शिफ्टर तो चाहिए होता है भाई। तो अभी आप साइड मिरर्स के अंदर देख लो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, अपन चल रहे हैं 80-90 अबाव, ऑलमोस्ट 100 टच कर दिया, एक गियर शिफ्ट करना बाकी है। देखो एक कमी लगी क्लासिक 350 के अंदर तो उसके बारे में डिस्कस करता है। इसके अंदर जो वाइब्रेशन जैसे पहले उस वाली बाइक के अंदर हैंडल बार में जो आ रहा था ना, इस वाली बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये चाबी का ये जो ये देखो ये की चेन जो लगा हुआ है ये भी नहीं हिल रहा है, कर रहा था कि जो पुराने वाली जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 थी और जो नई वाली क्लासिक 350 है उसके अंदर एक छोटी सी कमी रह गई मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कमी मेरे को लगी वो ये लगी कि जो इसका हैंडल बार है ना थोड़ा सा और ऊपर होता, कंफर्ट लेवल बढ़ जाता हम लोगों के। मेरे पीछे कुछ बैग वैग मैंने लगा रखा है तो अगर मैं ट्रैफिक में होंगे तो मेरा वेट ना ऐसे आ जाता, अगर यही हैंडल बार ना ऐसे रहता तो थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता। तो आई होप आप लोगों को ये वाला शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, और लास्ट वाला ब्लॉग अगर अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट करो, और बाकी मेरे को कमेंट करके बताया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसे मिले। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइट सेफ।